थाना समाधान दिवस के दिन जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने कैंट थाना में आयोजित थाना समाधान दिवस में शामिल हुए और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया। यहां अधिकांश मामले भूमि विवाद के आए थे, जिसके निस्तारण के लिए राजस्व एवं पुलिस टीम मौके पर भेजा गया। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, कैंट इंस्पेक्टर मनोज पाठक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने बताया, इनकी जमीन का तुम्हें इतने जमीन तो मिल जाएगा। अब तुम गाटा इसे जोड़ो ना, ये देखो इनको दो गाटा से मिलके तो 13 डिसमिल मिल रहा है। या अभी क्या नफाई कौन सी रोज चल रहा है? दो गाटे से लिया होगा, ये कब्जे में किसी एक गाटे में एक ही लिया है। रकबा कम नहीं होगा, फिर क्या चाहिए आप? कौन सी गाटा गाटा के क्यों आप आड़े हुए हैं? उसके लिए ये रास्ते के लिए हमने अलग से उसको पैसा दिया, कौन भी रास्ता है और जिस तरह से हमने राहत तो मिलेगा, जिस तरह से हमने वो जमीन को डेवलप करा करके इतने यार इतने कंडीशन डालोगे कथा ही तुम्हारा हाल नहीं होगा। यही इसको कब रखा है? इसको नहीं होगा, समझौता से होगा। झगड़ा क्या, समझौता हो जाए तो ठीक बात है, नहीं तो झगड़ा तो चलेगा। अरे बाबा सुनो, तुम्हारा तो ये 13.5 डिसमिल मिल जाएगा, रास्ता भी मिल जाएगा, ठीक है कहीं ना कहीं, ठीक है इतने तो हम इंश्योर कर सकते हैं। बाकी नाम से थाना तो 79 में कितने लोग का हिस्सा है? ना बस इतने इंश्योर करो, इनका रकबा कम ना हो। कौन सा थाना है बेटा आपका? समझौता से जरूरी है। कितनी लगेगी आपका गाड़ी बदल के बता दें ना से? 5-10 पंद्रह लगेगा। अरे अब क्या बता रहे हैं, कहाँ पहुँच गए? शाम को दूर जाना हुआ यार। बिल्डर का वादा हम पूरा नहीं कर सकते, हम तो बस इतने नाप करके आपका अलग कर सकते हैं। उनके पास हो गया क्या यार, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कौन मालिक है उनके कब्जा मिलेगा? मतलब मान लो बैनामा करके तो है, आज कह रहे हैं हम 10 साल पहले बेचे 1 लाख था, अभी 10 लाख हुआ, ऐसे कैसे चले? हम जैसे हम तो 3 भाई है ना, तो जमीन सर है, एक भाई ने बेची तो दूसरा कह रहा है हमारा हिस्सा है, वो भी कह के रोक देता है। वो तो दिवाली में जाके क्यों उसका ना बंटवारा होता नहीं, बंटवारा होता नहीं, ये जबरदस्ती गुंडा कर दी है। पैसा जमा है,
उसी तरह से कोई नहीं है क्या कार्य स्वामी को कब्जा कर हमने अभी भी आपको समाधान नोट कर रहा है सिविल कोर्ट में कुछ नहीं कोई सवाल नहीं कोई मुकदमा नहीं सकता ना आपका जो ये ना ये मूल लीसी कौन है उसका लीज नहीं ये हम सब इन्होंने ना मेरा होल्डर मेरा होल्डर कब हुआ है उसका चाचा कौन है चाचा का मेरा जी सर अरे बहुत बात के लिए है ये देखिए सारे नक्शे बने हुए हैं मैं नाम है सीनी से मैं नाम था हेलो आप अपना अपना कहां है मंगल भी जाएगा अब यार स्टे नहीं है 17 सर मैं अभी और दिखाऊंगा अभी दिखा रहे हैं अरे मोल जवानी आप कितने कह रहे हो तो एक भी कागज नहीं दिखा पा रहे एक स्टे भी करने गलती इनकी भी है ना मोल पटेदार सम्मानित करवाया आपने हमने भी करवाया नहीं नहीं करवाया तो पूछे कागज है आपका नाम है भाई कागज है कागज आपका नाम नहीं बनाया गया 99 और सेक्शन नंबर लेस ने उसको बनामा कर रखा है रस्सी वाला पेपर चाहिए और जो 74 है वो मुंबई में सर मैं ये कह रहा हूँ जो इनको मिल जाए आप इनको वो कर दीजिए क्या नाम है इनको कर दीजिए ये हमको उससे खाली कराए हमारे पब्लिक ये आज ही हमारा गेट कैसे उखाड़ देंगे हमारी बेटी कैसे गिरा देंगे ये मैं जानना चाहता हूँ देखिए आज तो थाना समाधान दिवस है हर जगह सभी ऑफिसर मौजूद है गजरेट ऑफिसर भी है राजस्व संबंधित ऑफिसर है जो विकास संबंधित ऑफिसर सब लोग हैं यहाँ हम लोग जो इकट्ठा किए हैं एक सप्ताह में जो भी पुलिस संबंधित राजस्व संबंधित मामला है सबको इकट्ठा करके आज निस्तारण कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं 2 बजे तक कितने निस्तारण हो सकते हैं उतने हो जाएगा फिर अगले सप्ताह तक उसको बाकी मामला को भी निस्तारण करा के निस्तारण किस तरह के मामले आए सर ज़्यादातर जमीन संबंधित है 90% के ऊपर जमीन संबंधित है फिर कहीं कहीं तो फिर पड़ोसी का मारपीट का झगड़ा उसी 90% मामला तो जमीन संबंधित ही हुआ